अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। और किचन विद आपी में मैं आप सबको वेलकम करती हूं। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे गजरेला। ये डेजर्ट जल्दी और टेस्टी बन जाता है, तो चलिए फ्रेंड इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। गजरेला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। यहाँ हमने एक पाव गाजर को कद्दूकश कर लिया है, 1 लीटर फ्रेश मिल्क लिया है, 4 टेबलस्पून चावल जिसे भिगो कर पीस लिया है, 200 ग्राम फीका खोया, 4 टेबलस्पून चीनी, 3 टेबलस्पून शक्कर और 3 छोटी इलायची जिसे हमने पीस लिया है। ये थे इंग्रेडिएंट्स और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में मिल्क डालेंगे और हम इसे बॉयल आने तक पकाएंगे। और आप लोग पैकेट का मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची, चीनी और शक्कर डालेंगे। शक्कर का इस्तेमाल ऑप्शनल है और आप इसे चीनी में भी बना सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चावल। अच्छा फ्रेंड्स, चावल हमने 15 मिनट्स के लिए भिगोए और इसके बाद इसे हमने दरदरा सा पीस लिया। और अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकश की हुई लाल गाजर और अब हम इसे 2 मिनट्स के लिए बॉयल आने तक पकाएंगे। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि चावल और गाजर इसमें गल जाएं। और हमने इसे जस्ट 2 मिनट्स के लिए कवर करके रखा था और ये दोनों चीज़ें गल गई हैं। और अब हम गाजर को चेक भी कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि गाजर गल गई है। और सबसे लास्ट में हम इसमें फीका खोया डालेंगे और हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर बनाएंगे। और जस्ट हम इसमें खोया मिक्स करेंगे, इसके बाद फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे सर्विंग प्याली में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि गाजर इसमें घुली नहीं है। और फ्रेंड्स, एक बात और माइंड में रखिएगा, आप इसमें चावल का आटा नहीं यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसके इस्तेमाल से गजरेले का टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। इसलिए हमने चावल को दरदरा सा पीसा है। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए पिस्ते स्प्रिंकल कर देंगे और आप लोग इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गजरेला अब बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ किचन विद आपी में। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल किचन विद आपी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।